फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर त्रिपाठी और आज हम बात कर रहे हैं इंटीग्रल एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज का, जो कि इंडेफिनिट इंटीग्रल की है। क्वेश्चन नंबर 11, 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी, लेट द इंटीग्रल बी इक्वल टू आई। इसमें दो बातें ध्यान रखें आप, अगर दोनों कॉस कॉस हैं, दोनों साइन साइन है, तो आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करिए साइन इन दोनों के डिफरेंस से, इन दोनों के डिफरेंस से। इन दोनों का डिफरेंस कैसा है, x प्लस ए में से x प्लस बी माइनस करेंगे तो आप आएगा a माइनस बी, x x कैंसिल हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन a माइनस बी। साइन a माइनस बी बीइंग अ कांस्टेंट अंदर भी जा सकता है और बाहर भी जा सकता है, x वाली चीज को आप मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते थे, इस बात का ध्यान रखना। अगर ये दोनों डिफरेंट है, एक साइन है और एक कॉस है, तो फिर आप साइन से डिवाइड और मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तब आप कॉस से करिएगा। अगर दोनों साइन साइन भी होते तो भी आप साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। और इसका एक बहुत बढ़िया सवाल है, आप बुक में देखेंगे और भी आपको देखने को मिलेगा, साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, ये भी इसी टेक्निक का क्वेश्चन है। इसके लिए भी आप साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करें और देखें और फिर मुझे लिखें कि आपका आंसर सही आया कि नहीं आया। कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स। अब आप ऐसा करें, ये जो बाहर है इट विल रिमेन एज इट इज, और साइन ए माइनस बी को आप लिख दें साइन एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी। क्या किया हमने, x ऐड किया और x सब्ट्रैक्ट किया, और b अंदर जाने की वजह से माइनस प्लस माइनस हो गया, तो ये माइनस b और इसमें कोई चेंज नहीं है। cos x प्लस a cos x प्लस b dx इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ऑफ a माइनस b, इसको ओपन करें साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा के, और बड़ा सिंपल फॉर्मूला है मेरे ख्याल से, उसकी लिखने की जरूरत नहीं है। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होल अपॉन कॉस ऑफ एक्स प्लस ए कॉस ऑफ एक्स प्लस बी। अब आप समझ चुके होंगे अब क्या करेंगे हम, तो अब मेरे प्यारे दोस्तों जो आप समझ रहे हैं वही करेंगे। सेपरेट, देखिए सेपरेट कैसे करते हैं, साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी होल अपॉन कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी, ये कैंसिल, माइनस कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी होल अपॉन कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी। कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस ए कैंसिल, ये हो गया साइन एक्स प्लस ए अपॉन कॉस एक्स प्लस ए टेन एक्स प्लस ए, और वो हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस बी अपॉन कॉस एक्स प्लस बी टेन एक्स प्लस बी। वन अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रल टेन ऑफ एक्स प्लस ए माइनस टेन ऑफ एक्स प्लस बी डी एक्स। अब आपको टेन एक्स का इंटीग्रल तो याद ही होगा, तो बड़ा आसान सा इंटीग्रल है टेन एक्स का, टेन एक्स का इंटीग्रल देखिए होता है लॉग ऑफ सेक एक्स, पर यहां पर है टेन ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो इसका इंटीग्रल होगा लॉग ऑफ सेक ऑफ ए एक्स प्लस बी, और बेस इसका ये होगा जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं आपको, और अपॉन में कोफिशियंट ऑफ एक्स आएगा विच इज ए, तो ये इसका इंटीग्रल है टेन का। तो आप ये यहां पर फॉर्मूला लगाएं, साइन ऑफ ए माइनस बी ब्रैकेट इंटीग्रल ऑफ टेन इज लॉग सेक ऑफ
x प्लस ए, और देखिए कि कोफिशियंट ऑफ x क्या है, 1, तो यहां पर आ जाएगा अपॉन में 1, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई परेशानी नहीं होगी। माइनस इसका इंटीग्रल होगा उसी तरीके से लॉग ऑफ सेक ऑफ एक्स एक्स प्लस बी ब्रैकेट क्लोज प्लस एक इंटीग्रल कांस्टेंट सी प्लस एक इंटीग्रल कांस्टेंट सी लगा दीजिए, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लगा दें, लॉग ए माइनस लॉग बी इज लॉग ए अपॉन बी, तो लॉग ऑफ सेक ऑफ एक्स प्लस ए सेक ऑफ एक्स प्लस बी प्लस एन इंटीग्रल कांस्टेंट सी। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपका इंटीग्रल कितनी आसानी से हुआ। आप इसी तरीके का क्वेश्चन साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी भी ट्राई करें, सेम चीज मल्टीप्लाई डिवाइड करें, उसको यहां लिखने का स्टाइल बदल जाएगा आपका, यहां होगा x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए लिखना पड़ेगा, फिर आप एक साइन और एक कॉस का करें, दोनों तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनका भी नॉलेज बढ़े और आप भी कॉन्फिडेंट फील करें। विश यू ऑल द बेस्ट।